फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, मैंने हर कैटेगरी के टीवीज पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए, वहाँ आपको बजट कैटेगरी से लेकर हायर ब्रांड्स के सारे साइजेस के टीवीज पे वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने 65 इंचेस से लेकर 32 इंच सभी साइजेस और कैटेगरी में वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने इन वीडियोस में हर टीवी को उसके डिफरेंट फील्ड्स में परफॉर्मेंस के हिसाब से रेटिंग भी दी है। उन वीडियोस को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आज का ये वीडियो उन सब वीडियोस का सम अप है, जिसे देखकर आप अपना फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है जिसमें मैं हायर ब्रांड्स के टीवीज को डिस्कस करूंगी, और कल आपको बजट कैटेगरी का भी ऐसा ही वीडियो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो आपको ऐसी लिस्ट के पास ले जाएगी, जहां हर साइजेस के टीवीज को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। आप वो लिस्ट जरूर चेक कर लें। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग बेसब्री से व्यू के टीवीज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। नवंबर में व्यू के टीवीज वापस आने वाले हैं। उनकी सीईओ देविता सराफ ने मुझे कंफर्म किया है कि नए लॉन्च के साथ साथ पुराने मॉडल्स भी वापस आएंगे। ऑफिशियल सोर्सेस के हिसाब से नवंबर 16 के आसपास कंसाइनमेंट इंडिया पहुंच जाएगा। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सैमसंग क्यूलेड और 4K टीवीज में कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग क्यूलेड में आपको 4K वीडियोस एक्सीलेंट लगते हैं। 4K टीवीज उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फुल HD वीडियोस भी आपको क्यूलेड टीवीज में ज्यादा अच्छी दिखेंगी, लेकिन कम रेजोल्यूशन की वीडियोस को क्यूलेड टीवी ज्यादा अपस्केल नहीं कर पाता है। इसलिए 720p की वीडियोस आपको 4K टीवीज में ही ज्यादा अच्छी दिखती हैं। सेट टॉप बॉक्स का ट्रांसमिशन भी आपको 4K टीवीज पे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट के थ्रू OTT कंटेंट्स देखते हैं, तो आपके लिए क्यूलेड बेस्ट होगा। सैमसंग के क्यूलेड टीवीज Q90R, Q90T और Q80R सोनी X9500H से भी परफॉर्मेंस में सुपीरियर हैं। वहीं Q80T और Q70R सोनी X9500G और X9000H से परफॉर्मेंस में सुपीरियर हैं। सैमसंग क्यूलेड मैं इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि सैमसंग ने ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और वो इस टेक्नोलॉजी का मास्टर है। जैसा कि कहते हैं कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को अपनी पूरे गुण नहीं देता है, वैसे ही दूसरी कंपनीज जो क्यूलेड टीवीज बना रही हैं, वो लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर ही काम कर रही हैं, और सैमसंग ने अपनी अल्टीमेट टेक्नोलॉजी किसी के साथ भी साझा नहीं की है। सैमसंग 90R इस समय बेस्ट क्यूलेड टीवी है, उसके बाद 90T, 80R, 70R और 80T आते हैं। ये सारे मॉडल सैमसंग द फ्रेम से पिक्चर क्वालिटी में सुपीरियर है। सैमसंग Q70T, Q60R और 60T ये क्यूलेड टीवीज सैमसंग द फ्रेम से पिक्चर क्वालिटी में इंफीरियर हैं। Q60R सैमसंग Q60T से सुपीरियर है। अब बात करते हैं 4K टीवीज की, तो सोनी X9500H इस समय पिक्चर क्वालिटी में बेस्ट टीवी है। X9000H उससे पिक्चर क्वालिटी में काफी इंफीरियर है। उसे आप तभी लें जब आप एक हार्डकोर गेमर हैं। X9500H बहुत कॉस्टली है, सो उसकी जगह आप X9500G भी ले सकते हैं। उसकी पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट X9500H जैसी ही है। इसके बाद नंबर आता है X8500G का, जो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देता है। उसके बाद रैंकिंग में आता है सोनी X8000H, जिसका परफॉर्मेंस सैमसंग TU8570 और TU8000 से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सोनी X8000H की ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल और डिटेल क्लियरिटी सैमसंग के टीवी से ज्यादा अच्छी है। अगर आपको सैमसंग का टीवी ही लेना है, तो आप TU8570 को ही प्रिफर करें, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी TU8000 से बेटर है। उसमें आपको TU8000 से ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। सोनी X7500H भी बहुत अच्छा टीवी है। उसकी ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल सैमसंग के टीवी से बेटर है। सोनी X7400H सोनी का एंट्री लेवल मॉडल है, जिसे बजट कैटेगरी के कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन फिर भी उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सोनी X7002G
कि पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। वो पिक्चर क्वालिटी में सोनी X7500H और X7400H दोनों से ही सुपीरियर है, लेकिन उसका व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपको इसे हॉल में यूज नहीं करना है तो आप सोनी X7000 2G को बेफिकर होकर खरीद सकते हैं। लास्ट ईयर के मॉडल सोनी X8000G का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उससे बेटर मुझे LG के मॉडल्स लगे। UM7780LG का बेस्ट परफॉर्मिंग टीवी है, उसके बाद UM7300 आता है और फिर UM7290 है। इन तीनों ही टीवीज की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस UM7780 में आपको बहुत बढ़िया ऑडियो भी मिल जाती है जो दूसरे मॉडल्स में नहीं है। UM7300 के साथ मैजिक रिमोट आता है जो UM7290 के साथ नहीं आता है। इस साल का मॉडल LG UM7300 पिक्चर क्वालिटी में लास्ट ईयर के मॉडल से थोड़ा इंफीरियर है, लेकिन फीचर्स में वो थोड़ा सुपीरियर भी है। LG के इन मॉडल्स में से आपको जो भी सस्ता मिल जाए आप वो ले सकते हैं। LG UM7300 और सोनी X7002G की बात की जाए तो अगर आपको व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा चाहिए और गेमिंग करना है तो आप LG के मॉडल्स को प्रेफर करें, नहीं तो सोनी के साथ जाएं, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी है। LG के 50 इंच मॉडल में VA पैनल दिया गया है, उसका कलर रिप्रोडक्शन IPS पैनल वाले LG TV से थोड़ा ज्यादा विविड और ब्राइट है, लेकिन व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट देखकर आप इनमें से कोई भी TV चूज कर ले। अगर बजट TVs को इन ब्रांडेड TV से कंपेयर करें तो पिक्चर क्वालिटी में नोकिया और तोशीबा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। नोकिया में आपको सैमसंग और LG से ज्यादा ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज पे आकर बात अटक जाती है। मोस्टली सारे ही बजट कैटेगरी के टीवीज की आफ्टर सेल सर्विसेज जीव्स देखता है, जिसकी सर्विसेज रुला देती हैं। सिर्फ व्यू कंपनी डायरेक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर हायर ब्रांड का लोअर रेंज टीवीज आपको सस्ते में मिल जाए तो आप उन्हीं को प्रेफर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।